हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सिंपलीफाई। अब हमें सिंपलीफाई करना है। फर्स्टली इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ लॉज पता होने चाहिए, लाइक अगर आपके बेस सेम हो, जैसे इसमें है, लेट्स सपोज आपका बेस है ए रेज टू द पावर एम, ए इज बेस एंड एम इज पावर या एक्सपोनेंट, कुछ भी कह लो, एंड ए एन इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, सो जब आपके बेस सेम हो एंड पावर्स डिफरेंट हो तो आपने कुछ नहीं करना है कि बस बेस को सेम लिख देना है एंड पावर्स को प्लस कर देना है। ये सिर्फ उस केस में है जब आपके बेस सेम हो एंड बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर्स अलग हो। बस मेन इसमें ये देखना कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो आपकी पावर्स प्लस हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई का केस हो और जो बेस है हमारा सेम हो। तो इसमें भी बेस हमारे सेम है, 2-2 है बेस एंड पावर्स अलग हैं और बीच में पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है। सो लेट अस सॉल्व दिस। 2 रेज टू पावर 3/5 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। अब इस पॉइंट को आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो बिकॉज इस पॉइंट का मीनिंग ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे बेस सेम है मीन्स आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद 3/5 + 1/5। अभी हमने पढ़ा था कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। एलसीएम 5 आ गई एंड 3 + 1, सो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 4/5। इसमें हमने एलसीएम लेके इनको प्लस कर दिया। ओके, अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि 1/3³⁷⁷। इसमें पहले तो हमें ये देखना है, अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि अगर ए की पावर एम हो और उसकी भी पावर एन हो तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। सो इट विल बी ए एम एन, सो 1/3³। अब देखो इसमें जो है पावर आपकी 3 की है तो आप इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 की पावर क्यूब है, क्यूब हो स्क्वायर हो कुछ भी हो उससे हमें नहीं लेना देना, इसमें 3 की पावर है तो उसकी आपने पावर करनी 7। होल का मतलब है कि इसकी भी पावर आप 7 करोगे और इसकी भी होल पावर आप 7 करोगे। तो 1 की पावर आप 7 करो, 100 करो, कुछ भी करो, रहेगा तो 1 ही, ठीक है। तो बट अब इसमें आप 3 की पावर को मल्टीप्लाई करोगे 3 × 7, राइट, सो इट विल बी 1/7 × 3 = 21। आपने होल 7 था ना, होल इस पूरे की पावर 7 थी तो आपने 1 की पावर 7 करी तो ये 1 ही रहा। 1 को जितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे आप 1 ही आएगा। एंड उसके बाद 3 का क्यूब है, उसका जब आपने पावर लगाई 7 तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना, तो सो 3 रेज टू पावर 3 × 7, सो 1/3 रेज टू पावर 21। इसको आप अगर ऊपर ले जाओगे तो ये -21 हो जाएगी, अगर नीचे लेके आओगे तो ये +21 हो जाएगी। अब हमें सिंपलीफाई करना था, मतलब लास्ट तक आंसर निकालना था, अगर प्लस में है तो माइनस में करोगे और माइनस में है तो प्लस में। सो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 11 रेज टू द पावर 1/2 / 11 रेज टू द पावर 1/4। इस पार्ट में हमें डिवाइड दे रखा है। अगर आप इसको एस, फर्स्टली हम इसकी लो समझते हैं, इसमें क्या है, ए की पावर है एम डिवाइड ए की पावर एन, इसमें भी हमारे बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। और हाँ, इसमें जो हमने ये वाला यूज़ किया था इसमें आपका बीच में मल्टीप्लाई था, है ना, इसमें आपका बीच में डिवाइड है, मल्टीप्लाई नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि ए एम डिवाइड ए एन, राइट। सो इसमें आपकी पावर अलग अलग है एंड बेस सेम है तो आप क्या करोगे, बेस को तो एज इट इज़ रहने दोगे, इसमें आप पावर्स को माइनस कर दोगे। जब डिवाइड हो और बेस सेम हो तो आप पावर को माइनस कर दोगे, और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो आप प्लस करोगे, मल्टीप्लाई में प्लस एंड डिवाइड में माइनस, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसमें आपका 11 रेज टू द पावर 1/2 / 11 रेज टू द पावर 1/4 लिख सकते हो। इसमें आपका बेस सेम है विच इज़ 11, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमने पावर्स को माइनस करना है, मतलब 1/2 - 1/4, तो इट विल बी 11 एंड एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। सो 2 इसको इंटू 2 कर देंगे हम, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, सो 2 - 1,
इट विल बी 11 1/4, ये आपका आंसर आ गया। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में 7 raised to the power 1/2 0.8 raised to the power 1/2। अब आप कहोगे अभी हमने पढ़ा था कि बेस सेम होता है, पावर अलग होती है और मल्टीप्लाई हो तो हम प्लस करेंगे। अब इसमें तो आपके बेस दोनों अलग हैं बट पावर सेम है, तो इस केस में आपने क्या करना है कि a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप यही वेरिएबल्स लोगे, कुछ और भी ले सकते हो, बस आपने ये दिखाना है कि आपकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है ना। चाहे यहाँ x x ले लो, y y ले लो, ठीक है, तो आपके एक्सपोनेंट्स दोनों सेम हैं, पावर दोनों सेम है बट बेस अलग है। बेस चाहे यहाँ पे y z ले लो, l ले लो, p ले लो, मतलब बेस सेम नहीं है, बेस दोनों अलग है, पावर सेम है। तो इस केस में आपने बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को कॉमन रखना है। अभी हम यहाँ पे इनको सिंगल ले रहे थे, अब हमने a इंटू b कर देना है, मतलब बेस को मल्टीप्लाई कर देना है एंड पावर एज इट इज़ रहेगी सेम। तो इसमें भी हम 7 into 8 कर देंगे एंड पावर 1/2 रहेगी। तो 8 7 ज़ा 56 raised to the power 1/2 is the answer. If you like this video, so please don't forget to subscribe our channel. Thank you.